यूपी के हमीरपुर जिले में नशीला पदार्थ खाने से दो पुलिसकर्मी हुए बेहोश। यूपी के हमीरपुर जिले में यूपी डायल 100 के दो सिपाहियों के साथ जहर खुरानी का मामला सामने आया है। बुधवार की सुबह दोनों सिपाहियों को बेहोशी की हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सदर कोतवाल ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिले के कोतवाली क्षेत्र के चनौकी गाँव के पास कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर यूपी डायल 100 के मोटर 12:17 में दुर्गा प्रसाद और लवलेश कुमार ड्यूटी पर मुस्तैद थे। दोनों पुलिसकर्मी देर रात ड्यूटी कर रहे थे। सुबह 8 बजे दोनों को ड्यूटी से वापस आमद करानी थी, मगर ये दोनों सिपाही पुलिस लाइन नहीं पहुंचे। दोनों सिपाहियों को वापस न आने लौटने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हम चाय पीने दूसरी दुकान थी पहले पेट्रोल पंप के बगल में, वहाँ चाय पीकर चले गए। पॉइंट में गए, वहाँ का जब टाइम खत्म हो गया तो हमारा टाइम होता यहीं का होता है, ये पेट्रोल पंप का। तो इस पेट्रोल पंप के पास दुकान है, वहाँ चले गए। तो वहाँ चाय पी ले, मैंने चाय मैंने कहा उसको चाय दो तैयार करो, तो चाय दोनों तैयार किया। बातें होते रही, उस लड़के उसके लड़के का उसका खुद उसका तिलक था, तो तिलक था उसका 15 तारीख का हो गया था। हमने कहा यार तिलक उलक तुम्हारा हो गया है, कुछ यार खिलाओ तिलक तो करवा लिए हो। तो कहा ठीक है साहब ला रहे हैं। लाया और दो रसगुल्ले लाए, और दो रसगुल्ले लाए तो हम दोनों को खाए। सब चाय पिए, चाय पीने के बाद पता नहीं हमको क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे शरीर में एकदम सुस्ती पर छाने लगी। और हम 10 से 15 मिनट में मैंने कहा ड्राइवर को अपने मगर चलो चलते हैं। ड्राइवर कहा चलो रुक लेंगे फिर चलते हैं थोड़ी। बस इतने में ड्राइवर भी न्यूट्रल हो गया, जब हम वहीं लेटे गए। आपका नाम? लवलेश कुमार। दो पुलिसकर्मी हैं जिनके नाम है दुर्गा प्रसाद लवलेश। वो अचेत अवस्था में यहाँ पे आए थे कल रात में। उनका परीक्षण करने के बाद पाया गया कि उनको किसी ने नशीला पदार्थ खिला दिया था। अभी उनको भर्ती वार्ड में भर्ती करने के बाद उनका इलाज चल रहा है, उनकी कंडीशन अभी